देख रहे हैं विंध्याचल संदेश। मैं जहां पर मौजूद हूं उसके बारे में बताने के पहले एक बैनर आपको दिखाऊंगा। रीवा ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रीवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर यहां मौजूद है। फिलहाल आपको यहां पर मैं कुछ दिखाऊंगा। चारों तरफ हरियाली, हरियाली के पीछे एक बिल्डिंग। वो बिल्डिंग किसी ज़माने में जेके सीमेंट फैक्ट्री के नाम से जानी जाती थी, बदलते हालात में वो जेपी सीमेंट हुई। आज वह सीमेंट आदित्य बिरला ग्रुप के पास है, या इसका सीधा सा मतलब है आज उसका नाम अल्ट्रा ट्रैक है। तमाम तरीके की यहाँ पर समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर एक यहाँ पर जो हमारे पीछे आप अपने टीवी स्क्रीन पर जिनको देख पा रहे हैं, ये ट्रैक एसोसिएशन के यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सीधी उनका साफ तौर से कहना है यहाँ पर हमारे साथ भेदभाव हो रहा। क्या है भेदभाव, क्यों यहाँ इकट्ठा है, आज बातचीत इसी को लेकर। ये बताइए यहाँ पर आप क्यों हैं? यहाँ पर हम लोग आए हैं धरना प्रदर्शन करने। इनको मैंने 22 तारीख को लेटर दिया कुछ भाड़ा वृद्ध के लिए, भाड़ा बहुत कम था तो इन उसका कोई जवाब नहीं दिए। हम लोग फिर एक रिमांडर लेटर दिए 2 तारीख को, उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। तो हम लोग यहाँ भाड़ा वृद्धि को लेकर के धरना प्रदर्शन करने आए हैं। भाड़ा वृद्धि को लेकर धरना प्रदर्शन करके आए। जैसा कि आपको मालूम ही है इस समय पूरे देश में सबसे बड़ी समस्या पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर है। डीजल पेट्रोल के रेट अगर इसी महीने की बात की जाए तो 11 बार बढ़े। 11 बार कोई ये मामूली बात नहीं। उसको लेकर यहाँ के लोग चाहते हैं कि भाड़े में वृद्धि हो, भाड़े में वृद्धि हो तो हमारे घर का राशन चूल्हा जल सके। चूल्हा तभी जलेगा जब हमें 2 पैसे मिलेंगे। ये बताइए जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं और रेट को लेकर, तो कब से रेट नहीं बढ़ा? मेरे हिसाब से जब हम लोग 70 या 75 रुपए का जब डीजल था तब का भाड़ा भी वर्तमान में हम लोगों को मिल रहा है 2013 की बात से। लगभग 8 साल पहले जिस रेट पर हमने गाड़ी यहाँ से चलाई थी आज भी उसी रेट पर हम ढो रहे हैं। सीधा सा मतलब है डीजल पेट्रोल के रेट डबल होने को आए, लेकिन फैक्ट्रियाँ केवल अपना फ़ायदा दे रही हैं, देख रही हैं और हमारी और उनका कतई ध्यान नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर मौजूद हैं। एक बड़ा सवाल ये होता है, आप लोग लोकल लोग हैं, लोकल लोगों को तो पहली प्राथमिकता यहाँ पर सारी फैक्ट्रियाँ दे रही थी, फिर हड़ताल की वजह क्या है? सर प्राथमिकता की आप बात करते हैं, प्राथमिकता तो देनी चाहिए लोकल को, यहाँ उल्टा हो रहा है सर। बंगाल से, पंजाब से, नागालैंड की गाड़ियाँ लगा रहे हैं यहाँ। 300 गाड़ी के मोटर मालिक आ गए हैं यहाँ हम लोगों के पास, जिनके पास 4-5 ट्रक होते थे आज उनके पास 1 ट्रक बचे हैं। 5 ट्रक के बाद 1 ट्रक, ये कहने में ज़रूर अटपटा लगता है लेकिन सुनने में भी अटपटा लगेगा। इसका सीधा सा मतलब है रोजी रोटी का एक गंभीर संकट भी यहाँ पर धीरे धीरे ट्रक एसोसिएशन के बीच में गहराता जा रहा है। अगर जिस तरीके से आप लोग आज यहाँ इकट्ठा हैं, मांगे ना मानी गई तो फिर क्या? अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन यहीं पर अनशन में बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी। अनशन की बात हो रही है, कैसे आप इस पूरे समस्या को किस नज़र से देखते हैं? देखिए ऐसा है, हम लोग पहले भी कई बार प्रबंधन से बात किए हैं इस बारे में। डीजल का रेट हमेशा बढ़ता रहा है, पहले भी कई बार बात किया गया है और उन्होंने केवल आश्वासन दिया है कि रेट बढ़ेगा और गाड़ियां भी आप लोगों की हर स्टेशन के लिए जाएंगी, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। हर स्टेशन के लिए गाड़ियां जाएंगी, रेट भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आज से 8 साल पहले का भाड़ा आज भी हम ढो रहे हैं। सर यहाँ पे 12 स्टेशन है, इसके पहले वो चुनार स्टेशन जाया करती थी गाड़ी, जब जेपी से इन्होंने हैंडओवर किया था उस समय पर हम लोग जेपी के लिए चुनार ढोया करते थे और अल्ट्राटेक में भी चुनार ढोए हम लोग। यूपी में है स्टेशन ये। आज 12 स्टेशन के लिए लगभग जैसा भी हमारे पूर्व साथी ने बताया कि 400 गाड़ियाँ यहाँ आ चुकी, उसे लोग ढो रहे हैं। और सबसे बड़ा अंतर, बेसिक अंतर आप देखिए कि जिस जगह का भाड़ा हमको 560 रुपये दिया जा रहा है, वही उन लोगों को जो बाहर से गाड़ियाँ आई हैं उनको प्रियोरिटी के नाम पर, उनको डेडिकेशन के नाम पर, उनको आज 760 रुपये 780 रुपये तक का भाड़ा उनको दिया जा रहा है, प्लस टोल भी दिया जा रहा है उनको। एक बड़ी बात जो निकल कर आ रही वो ये आ रही है कि लोकल लोगों को जो भाड़ा मिल रहा है
बाहर के लोगों को उसको 180 रुपये ज़्यादा मिल रहा। साथ ही यहाँ चार टोल बैरियर भी हैं, उन टोल बैरियरों पे लगभग 1700 रुपये के आसपास रकम लगती है, जिसको यहाँ पर ये लोग वापस भी कर देते हैं। शायद मैं ठीक कह रहा हूँ, बताइए। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सर, एक यहाँ पे यहाँ से बेला से बघवार से बेला प्लांट भी है, वहाँ पे भी यहाँ से क्लिंकर जाता है और कोयला आता है। तो यहाँ पे जो रेट 2013 का था वही रेट आज भी चल रहा है। अब उसके बाद बचत मोटर मालिक को इतनी हो रही है कि वो गाड़ी में टायर नहीं लगवा पा रहा है। बात है, सरकार को निश्चित रूप से इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। तमाम मसलों पर आपके साथियों ने राय प्रकट की। सीधा सा मतलब है, आपको लोकल होने का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। अगर लोकल होने का कोई भी लाभ नहीं हो रहा, तो ये जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के औचित्य पर ही एक बड़ा सवाल उठता है। क्या आपको लगता है कि अब इस तरीके की फैक्ट्रियां आपके इलाके में होनी चाहिए जो आपका भला नहीं कर सकती? फैक्ट्रियां होनी चाहिए, मगर भला करें तो फैक्ट्रियां हो तो हम लोग का भी रोज़गार बढ़ेगा और उसमें हम लोग और अपना रोज़गार बढ़ाएंगे। मगर इनके अल्ट्राटेक आदित्य बिरला ग्रुप जैसे अगर आएगा तो हम लोग मर जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। आदित्य बिरला ग्रुप जैसा अगर इस तरीके की फैक्ट्रियां यहां पर लगी तो निश्चित रूप से हम मर जाएंगे। हम किसी भी तरीके से अपने परिवार की रोजी रोटी पूरी तरीके से नहीं चला पाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा। आप लोगों को कुछ, किसी को और कुछ कहना हो, आपको अगर कुछ और कुछ कहना हो। सबसे पहले तो डेडिकेशन ये ख़त्म कर दें यहाँ का। प्रायोरिटी बेस में इन्होंने सिर्फ एक सेलेक्टेड लोगों को दे रखा है, वो बिल्कुल ख़त्म कर दें। जिसको काम करना हो वो बिल्कुल फुल फ्री है, सारे लोग काम करें। प्रायोरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, इनका साफ तौर से कहना। हम लोकल लोग हैं, फिर भी हम चाहते हैं प्रायोरिटी यहाँ पर ख़त्म कर दी जाए। बाहर के लोगों को भी रोज़गार मिले, हमें भी तो रोज़गार मिले। इस तरीके के यहाँ पर ट्रैक एसोसिएशन एक लचीला रवैया अपनाने के लिए भी तैयार दिखाई दे रहा है। मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा इसमें, हम लोग यहाँ के लोकल हैं, भगवार एरिया से हैं और हमारे साथी भाई लोग गोविंदगढ़ से हैं। ये पहाड़ का केवल अंतर है। हम लोगों ने जब जब बात की तो उन्होंने यही कहा कि आप गोविंदगढ़ वालों को साथ में क्यों लेते हैं, जबकि सभी गोविंदगढ़ वाले और बघवार और भरतपुर वाले सबने 2009 से ही गाड़ियां बनाई। और अब कोई बात होती तो उनका सीधा कहना कि आप लोग केवल अपने लिए बात करिए, उन लोगों के लिए बात न करिए। आप केवल ये पहाड़ को यहाँ से अगर आप टनल बनाएंगे तो यहाँ से गोविंदगढ़ ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा, वो सरते हम लोगों का घर ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा। तो ये बातें छोड़ दें हम। बघवार, गोविंदगढ़, रीवा, कभी भी फैक्ट्री प्रबंधन नहीं चाहता ये लोग इकट्ठा हों। इन लोग का साफ तौर से कहना है, फैक्ट्री हमेशा बंटवारे की नज़र से देखती है। अगर ट्रक एसोसिएशन इकट्ठा नहीं रहेगा तो फैक्ट्री का काम लगातार जारी रहेगा, बिल्कुल पूरे तरीके से जारी रहेगा। काफ़ी बातें हैं जिनको लेकर यहाँ पर मैं बीच में रोक के आपको एक टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाना भी चाहूँगा। यहाँ पर एक गाड़ी है, ये जिस तरीके से यहाँ पर एक गाड़ी दिखाई दे रही है, मैं आपको उसका एक नंबर भी दिखाऊंगा, पढ़ के भी दिखाऊंगा। साफ तौर से आपको दिखने में समझ में आएगा ये गाड़ी कहाँ की है। मैं कोशिश करूँगा इस ट्रक के ड्राइवर से भी बात करने की। तभी ये एक संयोग की बात है, जिस जगह पर इस कार्यक्रम को शूट किया जा रहा था ठीक उसी जगह पर यहाँ पर एक ट्रक जा रहा। कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? भगवान निकले हैं, बारह जा रहे हैं। किस जगह का, किस शहर का, किस प्रदेश का ये ट्रक है? ये ट्रक नहीं मालूम, ट्रांसपोर्ट राम नहीं महेश का राम नहीं, हम चलाते हैं इसको। ड्राइवर का कहना है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन नंबर साफ तौर से बता रहा ये नागालैंड की गाड़ी। नागालैंड की गाड़ी रीवा के जेपी सीमेंट या अल्ट्रा सीमेंट फैक्ट्री में टहल रही, इससे सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है जिस तरीके से यहाँ के हालात हैं वो काफ़ी यहाँ पर कठिनाई भरे। और इसको देखकर लगता है कि आगे आने वाला समय निश्चित रूप से ट्रक एसोसिएशन के लिए कतई अच्छा नहीं होगा। हम इस खबर पर लगातार नज़र बना कर रखेंगे और जो भी होगा आपको आगे चल के ज़रूर दिखाएंगे।